नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नवोदय विद्यालय ने जो आंसर की जारी की है, उस आंसर की को मिलाएं कैसे। विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझे मैसेज करे हैं, तो वही कुछ जो इक्वल जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लगातार सभी विद्यार्थियों के आ रहे हैं, उन प्रश्नों को मैं एक एक करके लेता हूं और इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी समस्याओं का क्या कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें तो पेपर कैसे मिलाएं। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि पेपर कैसे मिलाएं, क्योंकि आंसर की और हमारा पेपर तो सेम आ ही नहीं रहा है। तो फिर आंसर की क्या है? आंसर की है वो मास्टर पेपर की है। मास्टर पेपर का मतलब है विभागीय पेपर है। विभाग ने यह कहा है कि इस पेपर के अनुसार हमारे द्वारा जो जारी करी गई है वो आंसर की है। यानी इस पेपर में अगर एक नंबर प्रश्न है तो हमारी आंसर की का एक नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा। यानी इस पेपर के अनुसार ये आंसर की जारी करी गई है। सबसे पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात यह है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मास्टर पेपर से कैसे मिलाएं। जब मास्टर पेपर ये है, विभाग ने जारी कर दिया, तो उसके अनुसार हम कैसे मिलाएं? तो मास्टर पेपर से मिलाने के लिए हमने क्या है, आपको एक वीडियो दे दिया है। किस विषय के लिए? आर्ट सब्जेक्ट के लिए तो हमने एक वीडियो दे दिया है। और अन्य जितने भी विद्यार्थी है वो लगातार जुड़े रहे, आपको लास्ट में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको मास्टर पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको भी ओपन करके उसके भी प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें मास्टर पेपर के अनुसार मिलाना जरूरी है क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि क्या मास्टर की के अनुसार मिलाना जरूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मास्टर की के अनुसार पेपर को मिलाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो आपत्ति आप लगाओगे गलत आंसरों पर, वो जो आपत्ति लगेगी वो मास्टर पेपर के प्रश्न संख्या के अनुसार लगेगी। जैसे कि किस कोई प्रश्न है जो मास्टर की के अनुसार 10 नंबर पर है, वो गलत है। हो सकता है वो प्रश्न आपके पेपर में 20 नंबर पे हो, तो आपको जो आपत्ति लगानी है वो आपके पेपर के अनुसार नहीं लगानी, आपको मास्टर पेपर के अनुसार लगानी है। यानी आप जब आपत्ति भरोगे तो उसमें ये 20 नंबर सेलेक्ट नहीं करोगे, आप बताओगे कि हमारा जो प्रश्न है ये कितना 10 नंबर का गलत। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है वो मास्टर की में क्या दे रखा है या मास्टर पेपर में क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। इस वजह से अपनी जो आंसर की है वो मास्टर पेपर के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। और चित्रकला विद्यार्थियों के लिए तो मास्टर जो पेपर है उसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो वो है कि प्रश्न पूछा गया है कि आपको क्या डाउनलोड करना है। भाई अगर आप मास्टर पेपर, रेस्पॉन्स शीट और आंसर की है, इनमें से आपको क्या क्या चीजें डाउनलोड करनी है? अगर आप चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो आप केवल और केवल रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए, और अन्य सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, आपको अपना रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना है, और इसके अलावा बात करें तो आंसर की भी डाउनलोड करनी है और अपना मास्टर पेपर भी डाउनलोड करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की यह समस्या थी कि मास्टर पेपर ओपन नहीं हो रहा है, तो वो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो मास्टर पेपर है उसको भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है ओपन नहीं होने का? ओपन नहीं होने का कारण है GIP फाइल। वो GIP फाइल है वो कुछ मोबाइल सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से नहीं होता है। हालांकि मैं उन सभी मोबाइल्स में मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो ओपन होती है। फिर बात करें हम कि हमें जो मास्टर पेपर के अनुसार अपना जो पेपर मिलाना है वो कैसे मिलाना है, वो कैसे मिलाएं। तो वो हमें मिलाना है कि जैसे कि अपन को एक लेनी है नोटबुक, और नोटबुक में हमें एक साइड में नाम लिखना है मास्टर पेपर प्रश्न संख्या। अब चित्रकला के लिए तो आपको क्या मिल जाएगी? वीडियो मिल जाएगी। बाकी सब्जेक्ट को लिए आप क्या करना, मास्टर पेपर प्रश्न संख्या पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उनके आंसर भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर आपको दे लेना है अपना पेपर। अपना पेपर यानी जो आपकी क्या किस नाम से आएगा, आपका खुद का पेपर है, वो आएगा रेस्पॉन्स शीट। रेस्पॉन्स शीट के नाम से है आपका खुद का पेपर जो आप करके आए हो, वो क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब एक मोबाइल में आप मास्टर पेपर को ओपन कर लीजिए और दूसरे मोबाइल में आप अपनी रेस्पॉन्स शीट को क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए।
अब देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न मास्टर पेपर, यानी मास्टर पेपर में कोई प्रश्न एक नंबर पे है, हो सकता है वो आपके पेपर में प्रश्न पांच नंबर पे हो, तो आप इस प्रकार से लिखते जाइए कि एक नंबर बराबर कितने नंबर, पांच नंबर। कहने का मतलब मास्टर पेपर का एक नंबर प्रश्न है वो आपके पेपर में कितने नंबर का है, पांच नंबर का। इसी प्रकार चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बात करूं तो उनका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है 41 नंबर से। जैसे कि 41 नंबर प्रश्न है मास्टर की में या मास्टर पेपर में, तो वो जैसे खुद के पेपर में मान लो 50 नंबर पे, तो आप ऐसे लिख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न है जो मान लो 60 नंबर पे है, तो आप 60 नंबर लिख लीजिए। फिर मान लो 43 नंबर है, ये आपका 41 नंबर पे है। इसी प्रकार 44 नंबर की बात करें, ये प्रश्न मान लो 42 नंबर पे। तो अब आप जब आंसर की के अनुसार आप जब उस पर आपत्ति लगाओगे, तो फिर आपको आपके जो प्रश्न संख्या को सिलेक्ट नहीं करनी, आपको ये सिलेक्ट करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपका ये 60 नंबर प्रश्न है जो गलत है, तो आप आपत्ति में क्या 60 नंबर सेलेक्ट करोगे? नहीं। आपको आपत्ति किस नंबर प्रश्न पे लगाने, क्योंकि मास्टर पेपर का ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये 42 नंबर का प्रश्न है। इस वजह से आपको आपत्ति 42 नंबर पे लगानी है, न कि 60 नंबर पे। इसलिए मास्टर पेपर और जो अपनी रेस्पॉन्स शीट है, अपना पेपर है, उसको मिलाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। अब इस प्रकार से अपन पेपर मिला लेंगे और फिर मैं आपको बताने वाला हूं जो मास्टर पेपर है वो ओपन नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है। इसका पहला कारण तो ये है कि आपके मोबाइल में पीडीएफ वीवर नाम से एक जो ऐप आता है प्ले स्टोर से, पहले आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपका ये जो मास्टर पेपर की जो GIP फाइल है ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अपना पेपर कैसे डाउनलोड करें, उनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि पेपर कहां से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो अब इसी वीडियो में मैं आपको लगातार वो करके दिखाने वाला हूं। तो करते हैं हम स्टार्ट, किस प्रकार से अपना पेपर डाउनलोड करें और किस प्रकार से अपन को जो मास्टर पेपर है वो अपने मोबाइल में क्या करना है, ओपन करना है। तो सबसे पहले आप जाइए किस पे, अपने गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप NVS टाइप कीजिए और फिर आप सीधे पहुंच जाओगे यहां पर। NVS टाइप करने के बाद आप जैसे ही क्या करोगे, देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, आप NVS टाइप करोगे। NVS टाइप करने के बाद आप इसको करोगे सर्च। सर्च करते ही आप सीधे पहली साइट पर पहुंच जाओगे जहां से आपको नवोदय विद्यालय समिति के नाम से ये जो साइट है, इस साइट को क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इसमें से आपको यहां क्रॉस से इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। फिर आप पहुंच जाओगे इस जगह पर। अब आपको इसको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और ये जो थ्री लाइंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको ओके करना है। फिर आप इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और यहां पर आपको एक मिलेगा रिक्रूटमेंट नाम से, तो आप पहुंच जाइए सीधे रिक्रूटमेंट में और रिक्रूटमेंट में आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, इसको करना है आपको ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। फिर आप इसको ऊपर की तरफ खींचिए और आपके सामने दो नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, इसके ऊपर ये जो इधर जस्ट अपने राइट हैंड की तरफ एरो का निशान है उसको ओके करिए, तो फिर आप यहां पर पहुंच जाओगे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे आपके सामने इस प्रकार से कुछ साइट दिखाई देगी, इसको आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए और सबसे नीचे ही नीचे क्या कर दीजिए, पहुंच जाइए और यहां पर आपको मिलेगा सबमिशन ऑफ की चैलेंजिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, आपसे रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये मांगेगा। यहां पर आप अपने एडमिट कार्ड से देख करके रोल नंबर है वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए और क्लिक पर क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यानी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर लिखने के बाद जो लॉगिन है, इस लॉगिन पर आपको ओके करना है। तो आपके सामने इस प्रकार की चीजें दिखाई देगी कैंडिडेट डिटेल के नाम से। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, डाउनलोड मास्टर पेपर, फिर व्यू डाउनलोड एग्जाम क्वेश्चन पेपर और व्यू डाउनलोड आंसर की।
अब इनको अलग अलग करके आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये मैं आपको प्रत्येक को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपका खुद का क्वेश्चन पेपर है वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, इसके ऊपर आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा प्रिंट रेस्पॉन्स सीट। इस प्रकार से आपका पेपर है वो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं सभी विद्यार्थियों के हो रहे हैं, लेकिन समस्या इससे आगे आ रही है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसको लेते हैं बैक। बैक लेने के बाद एक मिनट, आपको यहां से व्यू डाउनलोड जो आंसर की है उस पर ओके करोगे तो आपके आंसर की डाउनलोड हो जाएगी, और कुछ इस प्रकार से आपके पीडीएफ व्यूअर होगा तो वहां पर ये खुल जाएगी, ओपन भी हो जाएगी। अब हम इसको भी करते हैं बैक, और अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो मास्टर पेपर है उसको डाउनलोड करके। तो अब देखिए मास्टर पेपर किस प्रकार से डाउनलोड होता है, किस प्रकार से खुलता है। तो इसको आप कर लीजिए डाउनलोड, ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो गया, अब आप सीधे यहां पहुंच जाइए या आपको इस प्रकार की फाइल दिखाई देगी उसको ओके कीजिए। फिर आप इसमें अपना जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को क्या करिए, ढूंढिए। इस प्रकार से आप स्क्रॉल करते जाइए, इसमें आप अपने सब्जेक्ट को ढूंढिए। जबकि मेरा सब्जेक्ट आर्ट है तो मैं आर्ट को क्या करता हूं, ओपन करता हूं। तो आर्ट को मैंने ओपन किया। अब देखो यहां पर आ गया ड्राइव पीडीएफ व्यूअर, इसको क्या करना है, ओके करना है, और ये देखिए पेपर आपके सामने ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना पेपर डाउनलोड भी करना है और अपना पेपर देखना भी है। तो अब मैं आपको प्रत्येक चीजें एक एक करके क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण सूचना के साथ अगले वीडियो में। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर कर देना। और हां, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है और कौन कौन से प्रश्न है, किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, सारी जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आर्ट के विद्यार्थियों ने अभी तक पेपर नहीं मिला है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आर्ट का जो मास्टर पेपर है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है वो मास्टर पेपर का ही बनाया है। मिलते हैं इसी प्रकार की नई सूचना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।